हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। चैनल का नाम है मनी इज एवरीथिंग। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और प्लीज लाइक किए बिना मत जाना, और दूसरा वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना वीडियो को अभी स्टॉप कर देना और चैनल को ब्लॉक कर देना, ठीक है ना गाइज। बात करने वाला हूँ आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बात कर रहा हूँ मैं इन्फोसिस और TCS के बारे में, ठीक है ना। आज ही मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। इन कंपनीज का दोनों का रिजल्ट आने वाला है 11th of January 2024 को। ये रिजल्ट इन दोनों का डिक्लेयर होगा आफ्टर मार्केट, ठीक है। आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनीज है, एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा आईटी सेक्टर में। दोनों का रिजल्ट क्या रहता है उसका इंपैक्ट आएगा फ्राइडे, और इसका मेन जो इंपैक्ट आएगा इन दोनों कंपनीज का, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा आपको निफ्टी में। और याद रखना, अगर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा। बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव रहेगा, फ्लैट टू नेगेटिव रहेगा, वो नहीं चलेगा। सिर्फ आईटी सेक्टर में आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है। इसी चीज में दूसरा उल्टा सोचिए इसका, अगर रिजल्ट निगेटिव आता है और आईटी सेक्टर डाउन होता है तो निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, मार्केट को सपोर्ट करेगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग में आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। साइकोलॉजी पे मार्केट चलता है, इमोशन पे मार्केट नहीं चलता है। प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतनी चीजें आसान रहेगी, उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे लॉन्ग टर्म में। बात करता हूं, इधर उधर की बात नहीं करता, सीधा टॉपिक पर आता हूं। इंफोसिस का रिजल्ट कैसा रहेगा, पहले बात करते हैं TCS की। TCS का रिजल्ट इस बार मुझे ऐसा लगता है कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगी, कोई न्यूट्रल सा रिजल्ट होगा, और स्टॉक पर भी बहुत ज्यादा कुछ बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। रिजल्ट जिस दिन आएगा मैं उस दिन शाम को सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, रिजल्ट का लोखा जेखा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं ये TCS के लिए हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि उसके TCS में न्यूट्रल रहेगा, उसके ऑप्शंस में या TCS में लॉन्ग करके तो आप कभी भी कर सकते हैं। और TCS की एक खास बात है, अगर कोई कोई रेडी है या पिछले बहुत टाइम से वॉच कर रहा है तो TCS के रिजल्ट आने से पहले उसमें एक 3-4% का मूव आता ही आता है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा मंडे से TCS में आपको एक बाइंग देखने को मिले, तो आप नजर बना के रखना उसकी 3700 की कॉल पर, जो अभी क्लोज हुई है शायद 100 रुपीज के आसपास। इसका 68 रुपीज का स्टॉप लॉस है, इसको लॉन्ग कर सकते हैं, प्रॉफिट अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप देख लेना। लेकिन मैं TCS में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता हूँ इस बार रिजल्ट में। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन्फोसिस के रिजल्ट को लेकर, और अपने व्यूवर्स को जो मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर हैं मेरे, मैं अभी से ही आपको एक हिंट दे रहा हूँ, अपना पैसा बचा के रखना थर्सडे 3 बजे। और इस बार बिलीव मी लेट नहीं होगा वीडियो, ना ही प्राइस में डिफरेंस आने वाला है। मैं ग्रुप बना रहा हूँ, मैं कुछ स्पेशल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी मैं उसमें जोड़ूंगा। थर्सडे 3 बजे, 3 बजे से पहले आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, क्या स्ट्रेटजी बनानी है। और दोस्तों बनाना जरूरी स्ट्रेटजी, ठीक है। पैसे ना हो अरेंज कीजिए, इस बार मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपके पास फंड नहीं है और आप स्टॉक मार्केट में हैं, आप लॉस कर चुके हैं, कुछ भी कर चुके हैं, आपके पास फंड नहीं है कहीं से, प्लीज अरेंज कीजिएगा इस बार। और मैं थर्सडे आपको 3 बजे इन्फोसिस पर एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वो पोजिशन आपको जरूर बनानी है, इग्नोर नहीं करना है। बहुत टाइम लगता है, कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है, रिसर्च बहुत करनी पड़ती है, तब जाके इतना कन्विक्शन आता है किसी कॉल में या किसी स्ट्रेटजी में। तो मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है अपने चैनल के व्यूअर्स के लिए, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि थर्सडे 3 बजे, पूरे 3 बजे, इस बार लेट नहीं होगा, ना ही प्राइस में डिफरेंस आएगा, बिलीव मी, ठीक है। वो हो चुका है, वो अनएक्सपेक्टेड था दोनों बार, लेकिन इस बार नहीं होगा, ये मेरी कमिटमेंट है। 3 बजे मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा, और मुझे ना मत बोलना प्लीज कि मैं आप पोजीशन नहीं बना पाए, मुझे सबसे ये सुनना है कि आप सबने पोजीशन बनाई है, और उसका आउटकम जो भी आएगा फ्राइडे मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या करना है। तो लास्ट में फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन्फोसिस में मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है जो मैं आपको शेयर करूंगा थर्सडे 3 बजे, उसका रिमाइंडर आप लगा के रखना। रही इन्फोसिस के रिजल्ट की बात, पिछले 2 क्वार्टर में अंडर परफॉर्म किया है इन्फोसिस ने, मार्जिन को लेके बहुत प्रॉब्लम आई है, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत कम रही है, डाउन रही है, और दूसरा डॉलर अर्निंग में भी डाउनफॉल देखने को मिला था। लेकिन इस बार क्या होगा, क्या इन्फोसिस को लेके मैं चल रहा हूँ, मैं इस बार आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद लगा के बैठा हूँ इन्फोसिस से। इस बार लीड करेगा इन्फोसिस पूरा आईटी सेक्टर को, इस बार
इन्फोसिस आउट परफॉर्म करने वाला है हर कंपनीज को। अभी तक क्या हुआ है कि अंडर परफॉर्मेंस बहुत गंदी वाली आई है इन्फोसिस की तरफ से, हमेशा उसने डिसअपॉइंटमेंट दिया है। मेरा मानना यह है कि इस बार इन्फोसिस आउट परफॉर्म करेगा और एक अच्छी परफॉर्मेंस और एक अच्छी कमेंट्री, स्ट्रॉन्ग कमेंट्री अगले क्वार्टर के लिए मुझे देखने को मिल सकती है और मैनेजमेंट स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट नजर आ सकता है इस क्वार्टर में। तो गाइज मैं स्ट्रेटजी आपको शेयर करूंगा थर्सडे को। मेरा व्यू शेयर करने का पर्पस ये था कि अभी से ही आप माइंड सेट कर लें और आपके पास टाइम है अच्छा खासा। अगर आपके पास फंड नहीं है प्लीज अरेंज कीजिए उस स्ट्रेटजी में काम करने के लिए। लॉस प्रॉफिट डिफरेंट थिंग होती है, लेकिन हम अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी करेंगे। इस मार्केट में लॉस और प्रॉफिट दोनों पैरेलल चलते हैं। आप प्रॉफिट के लिए भी रेडी रहिए, लॉस के लिए भी पहले रेडी रहिए, लेकिन हम अपना 100% देंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हम सही हो और हमारी कैलकुलेशन परफेक्ट बैठे और एक हमें अच्छा गेन हो। ठीक है, 3 बजे मैं आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए प्लीज लास्ट में फिर रिमाइंड कर रहा हूं, फंड ना हो तो अरेंज कीजिएगा, मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको पोजीशन बनानी है। ठीक है, टीसीएस में हम एंट्री नहीं करेंगे, हम इन्फोसिस को लेकर चल रहे हैं, इन्फोसिस में हमें पोजीशन बनानी है। तो ये बड़े 2 रिजल्ट पे मुझे आपको अपडेट देना था। एक वीडियो मैं सेपरेट बना रहा हूँ बहुत जल्दी FIs के डेटा के लिए लेकर आकर, वो लंबी वीडियो होगी और मैं अभी बता रहा हूँ आपको उस वीडियो को। अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखे ना, उस वीडियो को देखकर आपका कॉन्फिडेंस ही बदल जाएगा, आपका मार्केट का देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस एक जमीन से आसमान पर पहुंचेगा कि हाँ यार ऐसे मुझे काम करना चाहिए था। अभी तक शायद आप FIs के डेटा को रीड आउट ही नहीं कर पाते हो। बहुत कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, बहुत रिसर्च में जा रहा हूँ उसके बारे में, मैं आपको डीपली अपडेट करूंगा, उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक फॉर सपोर्ट, लव एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में। लास्ट में फिर बोल रहा हूँ मैं आपसे, इन्फोसिस के लिए रेडी रखना अपने आप को। लास्ट में डिस्क्लेमर, मैं अभी तक से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं मैं बहुत जल्दी हो जाऊंगा। जैसे ही होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। कुछ बड़ा करेंगे लाइफ में मिलके, बहुत बड़ा करेंगे, छोटा तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, हम सबसे अलग है, बाकी यूट्यूबर से अलग है। अभी तक चार्ट की एक वीडियो नहीं आई है मेरी, लेकिन बहुत जल्दी आने वाली है और इतना सिंपल करके मैं आपको समझाऊंगा कि आप जैसे एरो घुमाओगे ना आपको समझ में आ जाएगा चार्ट क्या बोल रहा है। इतना इजी होता है उसको, बाकी यूट्यूबर ने इतना टफ करके आपको दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि टेक्निकल में तो घुसेंगे तो कुछ पता नहीं, और वो उसको लगता है वो जो बोल रहा होता है यूट्यूबर के उसको जाने कितना ज्ञान है। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी को लोग बहुत डिफरेंस करके, बहुत डिफिकल्ट करके इसलिए प्रेजेंट करते हैं जिससे कि जो व्यूवर्स हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहे। उनका पर्पस आपको कंफ्यूज करना होता है और आपके थ्रू प्रीमियम ग्रुप और ये ग्रुप वो ज्वाइन करा के पैसा ऐंठना होता है। गाइस मैं जो ग्रुप आपसे डिटेल शेयर करूंगा ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई चार्ज मैं नहीं लेने वाला हूं, पहले ही आपको कमिटमेंट कर चुका हूं। थोड़ा सा वेट और कीजिए, मैं उस पर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। इन्फोसिस को मत भूलना, इन्फोसिस के लिए हम थर्सडे में बात करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद दोस्तों, बाय।